हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज इस हम लोग वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक सोशल ऐप जो होता है उसका उसके जैसा एक डिजाइन कैसे करते हैं। तो मैंने जो डिजाइन बनाया है वो आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो होम पेज है वो इंस्टाग्राम के जैसा है। देख लीजिए, पूरा कोडिंग से ही बना है। देन ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन एंड ये है मैसेजेस। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो लॉजिक है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक एक डिप में काम करता है। तो अगर हम लोग एक डिप का लॉजिक समझ जाए तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने HTML और CSS यहाँ पर करके रखा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते ही है, ये जो लिंक करा है हमने CSS को, देन यहाँ पर लिंक करा है फॉन्ट ऑसम के लिए एक लिंक को ऐड करना पड़ता है, उसको हमने ऐड करा है। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ठीक है, फॉन्ट ऑसम यानी कि ये सब जो आइकॉन है इसके लिए। ठीक है, देन देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक नेवबार लिया जो ए है, जहां पर लिखा है सोशल ऐप। ओके, देन वहां पर H2 में ए लिखा, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकता है। देन एक हमने डिव लिया नेव नाम का एक क्लास लिया उस डिव में। ठीक है, जो है ये कलर वाला है ना, ए वाला। देन हमने एक क्लास लिया मेन डिव यानी कि यहां से लेकर पूरा, ठीक है, जो व्हाइट पोर्शन है पूरा व्हाइट पोर्शन मेन डिव के अंदर आता है। ठीक है, देन हमने एक क्लास लिया है होम, एक डिव में क्लास लिया है होम, यानी कि ये जो होम आइकॉन है इसमें जो काम करता है वो पूरा का पूरा यहां पर ही है। ठीक है, देख लीजिए, होम में हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक चेक बॉक्स लिया है, इसका आईडी है होम एंड लेवल है होम एंड क्लास। देखिए, देन हमने क्या लिया है, एक लेवल लिया है, इसका क्लास हमने दिया है FA होम, यानी कि ए वाला आइकॉन के लिए। देन यहाँ पर हमने एक फंक्शन को काम में लिया है, जब क्लिक होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं समझते तो भी ये चलेगा, आप लोग को जावास्क्रिप्ट वाला पर्सन स्किप कर देना है। ठीक है, देन हमने लिया है कंटेनर टू नाम का एक क्लास लिया है डिप के अंदर, यानी कि ये जो है ना इसके लिए, ये पूरा जो कंटेनर है इसके लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले देखिए तो इंस्टाग्राम के जैसा ये बना है, इसके लिए यहाँ पर एक क्लास है मैसेज टू नाम का, मैसेज टू यानी कि ए पोर्शन। यहाँ पर 1 2 3 4 पिक्चर हमने लिया है इन चारों के लिए। देन इस डिप को क्लोज किया है। ठीक है, देन एक हॉरिजॉन्टल रूल लिया है ये वाला। देन मैसेज पीपी नाम का एक क्लास लिया है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए हमने दिया है क्या, नाम दिया है यहाँ पर कौशिक गुप्ता एंड एक लोकेशन दिया है। ठीक है, एक लोकेशन दिया है, देखिए। देन यहाँ पर क्लास है मैसेज सीपी नाम का, यानी कि ये है इस पिक्चर के लिए। ठीक है, देन इसको डिप को हमने क्लोज किया है। ये जो सीपी वाला था वो इसके लिए थे। ठीक है, ये वाला जो येलो कलर का जो पिक्चर है इसके लिए, और यहाँ पर ही हमने मैसेज पीपी नाम का जो क्लास है वहां पर ही हमने इमेज भी दे दिया है ये, एंड ये एज फोन में नाम भी दिया है एंड लोकेशन भी दिया है, एंड ये जो आइकॉन है इसको भी हमने यूज किया है। आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर एंड NBSP के मतलब तो आप समझते ही होंगे, इसका मतलब है स्पेस के लिए हमने ये यूज करते हैं। ठीक है,
देन यहाँ पर स्पेन में क्लास लिया है FA इलिप्स हाइपन V, यानी कि ये वाला जो आइकॉन है इसके लिए, ठीक है। देन देखिए देन हमने क्या किया है, मैसेज CP में ये जो येलो कलर का पिक्चर है उसको लिया है। देन मैसेज LCS में ये लाइक वाला जो लाइक कमेंट का जो है आइकॉन है उसको लिया है। सिर्फ देखिए 1 2 3 4 स्पेस ले लिया है यहाँ पर। देन इस डिप को खत्म किया। देन देखिए क्लास लिया है लाइक नाम का, यानी कि ए वाला जो लाइन लिखा है वहां पर उसमें पैराग्राफ टैग के अंदर इसको लिखा है, ओके। देन KG नाम का एक क्लास लिया है, उसके अंदर बोल्ड में ये सब लिखा है जो यहाँ पर है। ये बहुत ही आसान है, एक बार देखने से ही हो जाएगा, ठीक है। देन एक क्लास लिया है हैशटैग नाम का, इस हैशटैग में हम लोग ये सब लिखे है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रेक टैग लिया है क्योंकि इसके बाद में लाइन में आने के लिए, ठीक है। तो इसको इस डिप को खत्म किया। देन यहाँ पर जो ए वाला जो डिप था इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। मैसेज 2 नाम का एंड उसके साथ ही साथ कंटेनर 2 नाम का भी डिप जो है हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। ए वाला जो है उसका HTML पूरा से खत्म हो चुका है। अब इसका CSS में आते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है CSS में। सबसे पहले स्टाइल में हमने लिया है मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड यूजर सिलेक्ट नन, फॉन्ट फैमिली हमने एक लिया है देख लीजिए, एंड बॉडी में लिया है अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। देन देखिए हमने नैबर नाम का जो क्लास लिया था उसमें क्या किया है, नैबर यानी कि ए वाला, वहां पर देखिए हाइट दिया है हमने 40px का, वाइड है 100% का, बैकग्राउंड कलर में है हमने एक ग्रेडियंट यूज किया है, ठीक है। आप किसी भी साइड से ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हैं। देन हमने नैब बार में H2 में जो लिया है यहाँ पर जो लिखा है सोशल ऐप बाय राज, उसको हमने क्या किया, एक फॉन्ट फैमिली में एक टेक्स्ट का डिजाइन दिया, कलर दिया है व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज 30px किया है, ठीक है, एंड मार्जिन दिया है 0। देन नैब जो क्लास है यानी कि ए वाला क्लास, ठीक है, ए वाला डिव, वहां पर हमने क्या किया है, पोजीशन दिया है एब्सोल्यूट, हाइट दिया है 50px का, वाइड है 100% का, बैकग्राउंड में जो है इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आते हैं मेन डिप पर, यानी कि पूरा व्हाइट पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। उस पर हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया है, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर किया है, मार्जिन टॉप -27px किया है, फ्लेक्स रैप में हमने दिया है रैप, ओके। देन आता है होम क्लास पर, ठीक है, होम क्लास पर हम लोग आते हैं। वहां पर हमने दिया है मार्जिन टॉप दिया है 10px। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो डीप शुरू होता है ना होम का, इसका, ठीक है। होम में जो लेवल होगा उसका देखिए पोजीशन दिया है एब्सोल्यूट, यानी कि लेवल, यानी कि यहाँ पर जो आइकॉन में हमने लेवल में ही आइकॉन लिया है, ठीक है। मार्जिन टॉप है 20px, कर्सर है पॉइंटर, फॉन्ट साइज है 45px, कलर है व्हाइट, ट्रांजिशन है 0.4 सेकेंड। देन जो हमने होम क्लास के अंदर इनपुट लिया था, यानी कि जो चेकबॉक्स था उसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया, यानी कि वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वहां पर क्या काम करेगा, ए आइकॉन काम करेगा जो हमने लेबल में लिया है। देन हम डॉट होम यानी कि होम क्लास के अंदर
इनपुट में जब चेक्ड होगा, यानी कि इनपुट तो ये है, जब चेक होगा यानी कि चेक बॉक्स पर अगर कोई चेक करता है तब कंटेनर टू क्लास जो है उसके अंदर मैसेजेस जो है, यानी कि ये पूरा ही मैसेज टू के अंदर है, उसमें क्या होगा ट्रांसफॉर्म स्केल ऑन दिया हुआ है, ठीक है। देन देखिए कंटेनर टू नाम का जो क्लास है, यानी कि पूरा का पूरा एक कंटेनर जो है कंटेनर टू होम का, उसका क्या होगा मार्जिन टॉप 70 पिक्सल, वाइड 320 पिक्सल, हाइट है 0 पिक्सल, पैडिंग है 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट है 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस है 50 पिक्सल का, बॉक्स साइड है 0020 पिक्सल का, एंड आरजीबी में हमने कलर लिया है, ठीक है, ब्लैक कलर का है, टेक्स्ट अलाइन है लेफ्ट का, ओवरफ्लो है हिडन, ओपेसिटी है 0 एंड ट्रांजिशन है 1.2 सेकंड का, ठीक है। ये जो आने के बाद जो ट्रांजिशन होता है ना इसका, देन हमने कंटेनर 2 में मैसेज के अंदर डिजाइन किया है, पोजीशन है रिलेटिव, डिस्प्ले है फ्लेक्स, वाइड है 100%, हाइट है 90 पिक्सल, पैडिंग है 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम है 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म इसके 0 एंड ट्रांजिशन 0.4 सेकंड। अब मैसेज 2 में जो इमेज है, यानी कि जो मैसेज 2 के अंदर जो इमेज है, ये चारों इमेज, ओके, इसका हमने क्या किया है डिजाइन, हाइट लिया है 50 पिक्सल का, वाइड है 50 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस है 50% का, मार्जिन लेफ्ट है 10 पिक्सल का, बॉर्डर है एक रेड कलर का, देख लीजिए आप पीएलओ टाइप का रेड, यहाँ पर नाम दिया हुआ है टोमेटो 3 पिक्सल सॉलिड, ओके। देन जो आइकन है उस आइकन को हमने क्या किया है, कलर है व्हाइट, मार्जिन टॉप है 35 पिक्सल का, फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर है देख लीजिए एक ब्लू कलर जैसा है, बॉर्डर है व्हाइट कलर का, बॉर्डर रेडियस है 50%, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, मार्जिन लेफ्ट है -15 पिक्सल, हाइट है 16 पिक्सल, वाइड है 16 पिक्सल। ये एक कौन सा आइकन है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आइकन है ना हमने स्टेटस में लिया है, देखिए देख लीजिए ये वाला जो आइकन है ना उसका, ठीक है, फोटो के पास में जो प्लस आइकन रहता है उसका, ठीक है। देन देखिए जो HR है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, उसका क्या किया है, मार्जिन है -20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट में है 5 पिक्सल, मार्जिन राइट में है 5 पिक्सल, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ना उसका। देन देखिए मैसेज पीपी नाम का जो क्लास है उसके अंदर जो इमेज है यानी कि ये वाला, उसका हमने क्या किया है, हाइट एंड वाइड से 47 पिक्सल, बॉडी बॉर्डर रेडियस है 50%, मार्जिन टॉप है 30 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट है 20 पिक्सल, ओके। उसके अंदर जो H4 टैग है यानी कि कौशिक गुप्ता जहां पर लिखा है वहां पर हमने मार्जिन टॉप में दिया है -48 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट दिया है 85 पिक्सल, फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल। देन देखिए मैसेज पीपी में जो पैराग्राफ है उसका हमने क्या किया, कलर है ग्रे, यानी कि जो यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ ना उसका डिजाइन, कलर है ग्रे, मार्जिन लेफ्ट है 85 पिक्सल, मार्जिन टॉप है 0 पिक्सल, पैडिंग टॉप है 5 पिक्सल, पैडिंग बॉटम है 0, मार्जिन बॉटम 0, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। देन मैसेज सीपी में जो इमेज है उसका हमने क्या किया है, वाइड है 100%, मार्जिन टॉप है 17 पिक्सल, यानी कि ये जो पिक्चर है उसका। देन मैसेज LCS में जो हमने क्लास में जो लिया है यानी कि ये चारों जो है ना इमोजी वहां पर हमने दिया है, फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल का,
मार्जिन टॉप है 5 पिक्सल का, मार्जिन लेफ्ट है 2 पिक्सल का। लाइक देन लाइक नाम का जो क्लास है वहां पर जो पैराग्राफ है पी टैग, वहां पर हमने क्या किया है, मार्जिन टॉप दिया है 5 पिक्सल का, फॉन्ट साइज है 13 पिक्सल का। देन केजी नाम का जो क्लास है वहां पर, यानी कि ए वाला जो है, उसका हमने दिया है फॉन्ट साइज है 15 पिक्सल का, मार्जिन टॉप है 3 पिक्सल का। एक कौशिक गुप्ता वाला का लिए है, एंड लाइक जो है वो लाइक्ड बाय जो लिखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। एंड हमने दिया है हैशटैग क्लास। हैशटैग क्लास में हमने क्या किया है, ये चारों जो है उसका डिजाइन किया है, मार्जिन टॉप है 3 पिक्सल का, फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल का, एंड कलर है देख लीजिए आरजीबी में एक ब्लू कलर का एक कलर दिया हुआ। देन हमने क्या किया, होम जो इनपुट है उसका जब चेक्ड होगा यहाँ पर, तो एक एक्चुअली में इसके यहाँ पर क्या है, एक चेक बॉक्स है, ठीक है। वहां पर ये जब चेक होता है तब वो जो लेवल है, यानी कि जो लेवल में क्या है आइकॉन है, उसका क्या होता है ट्रांसफॉर्म कितना होता है, रोटेट होता है -90 डिग्री, एक ट्रांसफॉर्म होता है, देख लीजिए ये रोटेट हुआ। एंड कलर क्या हुआ, रोटेट होने के साथ इसका कलर क्या हुआ, येलो हो गया, ठीक है। इसका हमने डिजाइन यहाँ पर किया है। देन जब ये चेक्ड होगा, देन कंटेनर टू जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो कंटेनर टू है उसको क्या होगा, ठीक है, उसका हाइट हो जाएगा 500 पिक्सल, यानी कि ये जो हाइट है ये 500 पिक्सल का है, एंड ओपासिटी है ऑन, ओके। तो इसके साथ यहां से ये वाला एंड इस बटन का जो काम था वो हमने दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आप लोग कुछ जरूरत हो करने के लिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका इस का जो पूरा का पूरा फाइल है उसका लिंक या फिर उसका जो फाइल है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो आप सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड आप घर में ये पूरा का पूरा डिजाइन करके देखिए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए। अगर आप ये वाला भी डिजाइन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट में बताइए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, एंड जो फाइल का लिंक है उसको भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।